आधुनिक जमाने में मृत्य भोज की जगह परिजन रक्तदान को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ही प्रयास वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी ने अपनी माता के निधन पर कर अनूठी पहल की है। पत्रकार तिवारी की माता सरला तिवारी के द्वादशी पर मृत्य भोज नहीं कर सबसे बड़े दान रक्तदान करने का फैसला लेते हुए परिवार के 15 सदस्यों ने आज महात्मा गांधी अस्पताल में रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले तिवारी के पुत्र दिवीर, दामाद प्रखर के साथ ही परिजन कुमकुम, अंकुर जोशी आदि शामिल हैं। इस मौके पर कुमकुम ने कहा कि मृत्यु भोज को बंद कर रक्तदान करें और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने पहली बार रक्तदान किया है। दिवीर तिवारी ने कहा कि परिजन की मौत के बाद मृत्यु भोजन करना ठीक नहीं है, समाज को इससे कोई फायदा नहीं होता है। इस पर हमने नई पहल करते हुए रक्तदान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने किसी परिजन को अंतिम विदाई के रूप पे रक्तदान कर इस पहल को आगे बढ़ाए। पत्रकार तिवारी का कहना था कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। हम सबको मिलकर इस नेक काम को आगे बढ़ाते हुए समाज में व्याप्त कुरूतियों को खत्म करने की ओर आगे बढ़ना है। जी, आज मेरी दादी जी का द्वादश का प्रोग्राम था, तो इसमें हम लोगों ने आज रक्तदान किया है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, तो आप सबसे यही कहना है कि आप भी यही करें और अपना जो मृत्यु भोज है उसको बंद कीजिए। पहली बार आपने रक्तदान किया? जी, मैंने आज पहली बार रक्तदान किया है। कैसा अनुभव रहा? मेरा काफी अच्छा अनुभव रहा है, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। रक्तदान में कम आगे आती है? कम आगे रक्तदान सबसे बड़ा दान है और इसको जरूर करना चाहिए, इससे काफी अच्छा फील होता है। कुमकुम तिवारी। सो राम, ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य है कि हम जनता से अपील करें कि 12वें और इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं और काफ़ी सारी लोकाचार के अनुरूप बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे समाज के किसी वर्ग का कोई फायदा नहीं होता, तो रक्तदान करके हम एक नई पहल का आयोजन करना चाहते हैं और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो भी अपने किसी प्रियजन के अंतिम विदाई के रूप में रक्तदान करके इस पहल को आगे बढ़ाएं। पूरे परिवार के साथ रक्तदान कर रहे हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ रक्तदान कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर सकें कि वो भी इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उस समय रक्तदान करके अपना योगदान दे समाज के लिए। दादी जी मेरे 21 तारीख को एक्सपायर हुए थे और उनका नाम था श्रीमती सरला। हाँ, आज उनके 12वें के मौके पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नई पहल की जाए और दूसरी जगह अपना जो भी हमारे पास रहते हैं उन सब चीज़ों को करने की जगह इस तरह की एक्टिविटी करें तो ज़्यादा बेहतर है।